ब्रेन सेलिंग के बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। सन्मित्र अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अकोला का मैं चेयरमैन हूँ। बैंक के तरफ से हम लोगों को बिजनेस सेमिनार्स लेते हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं, उनको बिजनेस के बारे में काफ़ी कोचिंग करते हैं। हमारे जो बोरोअर्स है, डिपॉजिटर्स है, उसके अंतर्गत जो हम प्रोग्राम करते हैं उसमें का एक वीडियो मैं अभी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। स्पिन सेलिंग यह एक सेल करने की प्रक्रिया है और उसमें हम हमारा माल ग्राहक को बेच सकते हैं। क्या होता है कि सेलिंग ये बहुत कठिन काम है। एक्चुअली देखा जाए तो सेलिंग करना मतलब कोई भी आदमी को अपना माल बेचना है, उससे पैसे निकालना है, तो ये बहुत कठिन होता है। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि कुछ भी आप किसी को बोलो तो बोलता है ना मेरे को नहीं होना, ऐसा बोलता है। आप कहीं भी सेल करने जाओ तो इसलिए आपको ये देखना है कि भाई मैं स्पिन सेलिंग कैसा करूँ। और आप स्पिन सेलिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपका माल बेचने में सहायता हो जाएगी। अब स्पिन सेलिंग मतलब क्या है? SPIN, स्पिन। तो S जो है वो स्टैंड करता है सिचुएशन के बारे में, S। P स्टैंड करता है प्रॉब्लम के बारे में, I स्टैंड करता है उसका इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट के बारे में, और N स्टैंड होता है उसके नीड पे ऑफ के बारे में। तो ये क्या होता है, जब कभी आप किसी को माल बेचने जाते हैं तो पहले देखना चाहिए S मतलब सिचुएशन। सिचुएशन क्या है कि उसको सवाल करो, सवाल करना चाहिए। जब आप सवाल करेंगे और उसके मुंह से जवाब निकालेंगे तो आपको एक लीड मिलते जाएंगे आगे कैसी बात करना है। तो अब एस मतलब सवाल कौन से कर सकते हैं आप सिचुएशन के बारे में, कि आपका बिजनेस कैसा है, आपके यहाँ कितने एम्प्लॉई है, आप किस तरह के सॉफ्टवेयर वापरते हैं, आपको और कौन सी कौन समस्या है, आप किसके साथ में रहते हो, मतलब इस तरह के आप सवाल करते हैं तो आपको काफ़ी सारा डेटा मिल जाता है। पर बहुत सारे सवाल आप करेंगे तो कस्टमर बोर हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा सवाल भी करने नहीं है। फिर पी जो है वो है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है, आपका प्रोडक्ट जो है कस्टमर का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। मेरा प्रोडक्ट खरीदो, मेरा माल लो, मेरा माल लो, ऐसा बोलने से कोई माल लेता नहीं है। आपका कौन सा प्रॉब्लम है उसके बारे में पहले चर्चा होनी चाहिए। वो यदि मुझे समझ में आया, ऐसा मैंने उसको बताया कि आपका प्रॉब्लम मेरे को समझ में आ गया, तो फिर मैं बोल सकता हूँ अभी मेरा तुम माल ले लो, मेरा माल आप लेंगे तो आपका प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकेंगे। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, समझो ये मशीन खराब है तो आपको कौन से प्रॉब्लम आ रहे हैं। मशीन खराब है तो प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, सेल्स में कम सेल्स हो गया है, मतलब क्या हो रहा क्या है, ज़्यादा वक्त काम करना पड़ रहा है लोगों को, तो क्या प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, तो वो जानना जरूरी है। फिर तीसरा है उसके इम्प्लीकेशन क्या है, उससे इम्पैक्ट क्या है, मतलब वो प्रॉब्लम है तभी प्रॉब्लम से क्या दुष्परिणाम हो रहा है, कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। ये प्रॉब्लम है तो वो मशीन खराब है, चल नहीं रही बराबर, कितना लॉस हो रहा है, और यदि आपकी मशीन हम ठीक कर देते हैं तो फिर क्या संभव होगा। मतलब प्रॉब्लम समझ लेना और उसके बाद में उसका दुष्परिणाम क्या है, प्रॉब्लम का इम्प्लीकेशन क्या है, स्टाफ के ऊपर, आपके मार्केटिंग के ऊपर, आपके सेल्स के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर उसका कितना परिणाम हो रहा है, वो उसके मुंह से अपन ने बोल के लेना है, मतलब उसके लिए सवाल करना है। तो ये इम्प्लीकेशंस। चौथा है नीड पे ऑफ। तो नीड पे ऑफ इसका मतलब ऐसा है कि समझो आपका जो प्रॉब्लम है वो समझो सॉल्व हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो यदि ठीक हो गया तो फिर कैसा रहेगा, कौन सा बेनिफिट आपको मिलेगा, प्रोडक्शन कैसा बढ़ेगा, लोगों को कैसा लगेगा, कर्मचारी कैसा फील करेगा, महसूस करेगा, समय कितना बचेगा, कितना रेवेन्यू ज़्यादा आ सकता है। इस तरह के सवाल आप कर सकते हैं कि भाई नीड पे ऑफ क्या है, नीड पे ऑफ मतलब पे ऑफ क्या मिलेगा, फ़ायदा कितना होगा। तो ये चार सवाल आप उसको करते हैं तो उसके ज़िंदगी में आप जा रहे, उसके बिजनेस में आप जा रहे। क्या होता है कि सेल्समैन हरदम बक 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 करते रहता है, मेरा माल लो, मेरा माल लो, मेरा माल लो, मेरी जय जयकार करो, ऐसा होता नहीं है। आपका माल कोई लेता नहीं वैसा, उसका प्रॉब्लम कौन सा है वो सॉल्व होना चाहिए आपके माल लेने से, तो आदमी माल लेगा। तो पहला है सिचुएशंस, दूसरा है प्रॉब्लम्स, तीसरा है उसके इम्प्लीकेशन, और चौथा है नीड पे ऑफ। वो करते हैं इस तरह का इंटरव्यू ग्राहक का, जब माल आप बेचते हैं तो डेफिनेटली आपका माल बेचा जाएगा। थैंक यू वेरी मच।